गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज है 30 तारीख और आज हम मना रहे हैं पोड़ा दिवस। तो आज जो होती है वो बैलों की पूजा होती है। जितने भी खेत वाले होते हैं, जो किसान होते हैं, आज वो त्यौहार मनाते हैं। तो हमारा भी खेत है तो ये त्यौहार हम भी मना रहे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पूरन पूड़ी। तो पूरन पूड़ी की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आमटी की रेसिपी। तो आज यहाँ पर मेरी सासू माँ जो है वो पूरन बना रही है। तो सबसे पहले हमने चने की दाल ली है 2 ग्लास के करीब, और उसको हमने धो लिया। और धोने के बाद अब उसको हमने कुकर में सीटी लगा के चढ़ा दिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के। और अब हम उसके पकने के लिए छोड़ देंगे। वैसे तो पूरन बनाने का दूसरा तरीका होता है, कभी वो मैं शेयर करूँगी, गावरान टाइप से। मतलब जो गांव वाले होते हैं एकदम, वो लोग इस तरीकों को नहीं अपनाते। जो हम तरीका अपना रहे हैं ये शॉर्टकट तरीका है। तो गाइस, यहाँ पर दाल पककर तैयार हो गई है। अब दाल में जो पानी था उसको हम निकाल रहे हैं। उस पानी से हम बनाएंगे आमटी, और दाल को पूरा कुकर में जितना पानी है पूरा हम पानी को निकाल लेंगे। और हमने निकालने के बाद अब हम गैस पर फिर से कुकर चढ़ा देंगे, और उसमें हम डालेंगे गुड़। तो और गुड़ डालने के बाद हम उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, फुल पात्र में हमने दाल को पीस लिया एकदम बारीक। और इधर जो है मैं आटा माड़ रही हूँ थोड़ा सा नमक डाल के। अब हम पूरन को बना रहे हैं। अब ये जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं उसी तरीके से इन दाल को, मीठी दाल को हम भर भर के पराठे की तरह अब हम इसे तेल से सेक लेंगे। और जब खाएंगे तब इसको घी से, इसमें घी डाल के और दूध के साथ खाते हैं। तो ये थी पूरन की रेसिपी। बस इसका जो टैक्ट है बनाने का, ये आप देख सकते हो मेरी सासू माँ किस तरीके से बना रही है। तो अब हम बनाते हैं आमटी। तो यहाँ पर हमने आधा जो सूखा नारियल होता है वो हमने गैस पर उसको जला लिया है, थोड़ा सा भून लिया है। और यहाँ पर हमने 2 प्याज ले रखे हैं, उसको भी हम गैस पर भून रहे हैं। तो ये है आमटी की हम तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने नारियल भुना था, प्याज भुना था, अब हम उसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। उसमें हमने थोड़ा लहसुन डाला और थोड़ा सा धनिया पत्ता, और इसको ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डालना है और उसको फिर से पीस लेना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो चलिए अब आमटी को हम तड़का मार लेते हैं। हमने भगोने में थोड़ा सा तेल लिया है और उसमें जीरा, कड़ी पत्ता डाला है, और जो हमने अभी मसाला पीसा था वो हमने इसमें डाल दिया। और अब इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे अच्छे से। जब ये भुन जाता है तब हम इसमें डालेंगे काला मसाला। ये महाराष्ट्रियन का काला मसाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे दाल का पानी जो हमने दाल में से निकाला था, और इसमें थोड़ा सा इमली डाल देंगे, और बन गई हमारी आमटी। इसी तरीके से ये रेसिपी थी। और अब हम पूजा कर रहे हैं बैल की। तो ये बैल की पूजा हम यहाँ पर करने के बाद फिर खेत में जाएंगे, खेत में भी पूजा होगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो जो घर में पूजा थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये थी हमारी पोड़ा दिवस, मतलब जो बैल की पूजा थी वो हमने कर ली। और इसी तरह का वीडियो फिर से लेकर आ जाऊँगी मैं आपके साथ, छोटे छोटे ब्लॉग। तो गाइस, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा।
रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय।